स्टार्ट तो करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज सोशलाइजेशन एंड इट्स थियरीज ये कम्पेरेटिवली छोटा चैप्टर है तो ये एक वीडियो में कवर हो जाएगा केस यू वांट पीडीएफ ऑफ माई वीडियोस तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पे मैं टेस्ट सीरीज एंड पीडीएफ एंड अभी रिसेंटली मैंने यूनिट सिक्स जो आपका स्कीम्स का पार्ट है उसका पार्ट वन भी उस टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया हुआ है तो वो ज्वाइन करें इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू मी हेर दिस इज माई ई मेल आई डी कारण क्रांच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखो सोशलाइजेशन अभी तक मैं आपको डिफरेंट वीडियोज़ में ये बात हमने की है मैंने आपको बताया सोशलाइजेशन होता क्या है अगर आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पेरेंट्स चीज़ें सिखाते हैं उसको पेरेंट्स गलत आदत तो नहीं सिखाएंगे ना उसको पेरेंट्स वही आदतें सिखाएंगे जो उनकी फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं ठीक है ताकि वो एक फैमिली का अच्छा मेम्बर बन सके कल को वो सोसाइटी का अच्छा मेंबर बन सके ठीक है तो ये सारे वैल्यूज़ हैबिट्स रूल्स वो सारे उस बच्चे को सिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पैदा होने के साथ ही उसकी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है कि बेटा ऐसे नहीं बोलते ये नहीं करते आपको ऐसे बात करनी है आपको वो करना है वो कुछ भी नहीं है बट दैट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एज नोन एज सोशलाइजेशन उसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं दैट मीन्स आपकी फैमिली आपको सोशलाइज करती है ताकि आप सोसाइटी का अच्छा मेम्बर एंड अपनी फैमिली का एक अच्छा ये uh, जो है इंडिविजुअल अपनी फैमिली के अच्छे बन सको सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग रूल्स हैबिट्स वैल्यूज ऑफ ए ग्रुप टू विच अ पर्सन बिलोंग्स चाहे वो फैमिली हो फ्रेंड हो कलीग्स हो और एनी अदर ग्रुप ठीक है अब देखो इसका क्या मतलब हुआ आप क्या करते हो रूल्स सीखते हो हैबिट वैल्यूज इन ग्रुप सीखते हो जिस ग्रुप के आप पार्ट हो गए चाहे आप फैमिली के पार्ट हो आपको फैमिली सोशलाइज करेगी आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा हर किसी का स्कूल में एक फ्रेंड सर्कल होता है एक पेयर ग्रुप होता है एक पेयर ग्रुप यूजली आपके एक कुछ अनडिफाइंड रूल्स बने होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल के आप उसके बाहर नहीं जा सकते दैट मींस आपके फ्रेंड सर्कल भी आपको कुछ चीज़ें सिखाता है एंड वो चीज़ें आप फिर फॉलो करते हो जब तक आप उस फ्रेंड का उस फ्रेंड सर्कल का पार्ट रहते हो आप वो चीज़ें फॉलो करते हो दैट मीन्स आपकी जो सोशलाइजेशन है वो थ्रू योर फ्रेंड सर्कल भी होती है आपके कलीग से होती है या आपके ऑफिस के ग्रुप्स होते हैं या बाकी सारे ग्रुप जिनके आप मैंबर हो वो सारे क्या करते हैं आपको सोशलाइज़ करते हैं आपके अंदर कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं ये वो प्रोसेस है बाई विच अ चाइल्ड स्लोली बिकम्स अवेयर ऑफ हर और हिमसेल्फ एज़ अ मेम्बर ऑफ ए ग्रुप एंड गेन्स नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ़ द फैमिली ठीक है उसको पता चलता है कि वो इस ग्रुप का पार्ट है उसको नॉलेज मिलती है अपने फैमिली के कल्चर की और उसको नॉलेज मिलती है सोसाइटी की जिसमें वो पैदा हुआ होता है सोशलाइजेशन को हम ये भी बोलते हैं इट इज़ कंसिडर्ड एज़ पासिंग ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट यही हो रहा है बेसिकली क्या हो रहा है आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स को चीज़ें सिखाई थी अब आपके पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं चीजें आज के जो आप स्टूडेंट्स हो आपको चीजें सिखा रहे हैं आप कल क्या करोगे आप कल को अपने चिल्ड्रन को ये चीजें सिखाओगे तो हम बोल सकते हैं सोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है आप कल्चर या वैल्यूज पास करते हो फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन क्या करते हैं वो सीखते हैं अपनी फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में फ्रॉम देयर एल्डर्स एंड प्रिजर्व देम एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एज दे ग्रो ओल्ड ठीक है ये होता है आपका सोशलाइजेशन एंथनी ने को कहा था ये वो प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करता है, एक हेल्पलेस को ठीक है? हेल्पलेस जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी इन्फेंसी में होता है इन्फेंट होता है वो वो हेल्पलेस होता है क्योंकि वो कोई काम खुद से नहीं कर सकता उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं होती है एंड इंडिविजुअल इज बॉर्न विद नो सेल्फ मतलब उसको कोई आइडिया नहीं है वो क्या है वो क्यों है इस दुनिया में सोसाइटी क्या होती है तो इसीलिए उसको बोला हुआ है हेल्पलेस ह्यूमन इनफैक्ट जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और उसकी सोशलाइजेशन शुरू होती है वो एक सेल्फ अवेयर और नॉलेजेबल पर्सन बनना शुरू हो जाता है पी टी वोस्टले ने कहा था ये सिंपली ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सोशल ग्रुप्स तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी वही सीख रहे हो डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी दैट इज योर सोशलाइजेशन ठीक है आगे चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन डिस्कस करते हैं पहला टाइप प्राइमरी सोशलाइजेशन ये वो सोशलाइजेशन है जो आपकी होती है घर में फैमिली आपकी करती है आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं ये बिल्कुल अर्ली स्टेज में आपकी लाइफ की होती है जो आपकी बर्थ के बाद स्टार्ट होती है ठीक है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी जो सबसे पहली सोशलाइजेशन है आपकी इट हैपन्स हा, ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड ठीक है दिस फेज ऑफ सोशलाइजेशन यूजअली टेक्स प्लेस विद इन द फैमिली जब आप पैदा होते हैं आप सबसे ज्यादा क्लोज किसके होते हैं आपके पेरेंट्स के तब आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता है आपके कोई फ्रेंड्स या पेयर ग्रुप नहीं होते हैं तो फैमिली ही होती है जो किसका पार्ट जो किसका एजेंट है सोशलाइजेशन का आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन का प्राइमरी सोशलाइजेशन ठीक ड्यूरिंग दिस फेज जो इनफैंस से वो लर्न करते हैं लैंग्वेज एंड सर्टेन बेसिक सोशलाइजेशन बिहेवियर फॉर्म्स ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी इन विच ही और शी लिव्स तो थोड़ी थोड़ी आदें जो सोसाइटी की है जो आपको सोसाइटी का अच्छा मेंबर कल को बनाएंगी वो इंसान यहाँ से पिक करता है जैसे आप कोई बच्चों में आदत होती है उठा के चीज फेंकने की उनके हाथ में अगर आप कोई भी आप चीज दे दो रिमोट दे दो बॉटल दे दो वो आपके सर पे मारेंगे क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाते है, उनको नहीं पता ये क्या ये चीज क्या होती है फिर ये आपका काम है आप उनको सिखाते हो नहीं बेटा डोंट डोंट नो ऐसे ऐसे करके आप बच्चे को सिखा दो ना कि ये मत करो बिकॉज यू नो आप जस्ट फैमिली एंड सोसाइटी का पार्ट हो वहाँ पे इस चीज को लुकडाउन किया जाएगा कि कैसा बच्चा है गंदी आते डाली हैं इसने मतलब माँ बाप ने इसमें गंदी आते डाली हैं बच्चे में ठीक है तो वहां से आपकी सोशलाइजेशन शुरू होती है ताकि आप कल को फैमिली का नाम रोशन करो एंड सोसाइटी के अच्छे मेंबर बनो उसके बाद का जो सेकेंड फेज आ जाता है जैसे हम चाइल्डहुड फेज से मच्योरिटी तक आते हैं वो आपका होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन बेसिकली वो टाइम है जब स्कूल वगैरह जाना शुरू कर देते हो तो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन यहाँ क्या हो देखो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं जो आपको सोशलाइज करवाते हैं जैसे आपकी फैमिली आपकी सोशलाइजेशन करती है तो वो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है आपका स्कूल सोशलाइज करता है आपको आपका पेयर ग्रुप आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो सोशलाइज करता है तो वो सारी चीजें किसमें उनको क्या बोलते हैं हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन ठीक है तो यहाँ पे एजेंट्स क्या हुए एक तो आपकी फैमिली है ही यहाँ पे भी आपको सिखाएगी सेकेंडली आप स्कूल और आपका फ्रेंड्स ग्रुप शुरू हो जाता है ठीक है दे बिगेन अ रोल दे बिगेन टू प्ले अ रोल इन सोशलाइजिंग द चाइल्ड तो सोशलाइजेशन उनके थ्रू भी होना यहाँ पे शुरू हो जाती है तो वेन अ चाइल्ड रिसीव ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूशन और फॉर्मल सेटिंग सच स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस ठीक है अब आपको सोशलाइजेशन एक फॉर्मल सेटिंग में मिल रही है फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल्स में सोशलाइज होना शुरू हो रहे हो तो इस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन दिस लेवल रर्न पैरल टू प्राइमरी सोशलाइजेशन अब देखो इस लाइन का क्या मतलब हो प्राइमरी सोशलाइजेशन आपकी खत्म तो नहीं होगी ना क्योंकि फैमिली आपको चीजें सिखाती रहेगी चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ फैमिली आपके साथ चलती रहती है तो वो सोशलाइजेशन आपकी कंटिन्यू होती रहेगी तो ये पैरल ही चलता है अगर आपकी सेकेंडरी भी हो रही है तो कहीं ना कहीं साथ में आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन अभी भी कॉन्टिन्यू हो रही है सेकेंड इतना जेंडर सोशलाइजेशन ये हमने पहले भी पढ़ा है जेंडर के बारे में कि आपकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो आपकी नेचुरल डिफरेंस हो गई ठीक है वो नेचर ने क्रिएट की है लेकिन आप क्या करते हो फिर एक जेंडर के साथ अब दो आपके पास है एक मेल है एक फीमेल है आप कुछ एट्रीब्यूट करना शुरू हो जाते हो एसोसिएट कि लड़के ऐसे होते हैं लड़कियां ऐसी होती है लड़कियों को ऐसे बिहेव करना चाहिए लड़कों को ऐसे बिहेव करना चाहिए वो बेसिकली क्या है वो आप उनका जेंडर सोशलाइजेशन कर रहे हो कि किस जेंडर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए किस जेंडर को कौन सी वैल्यूज सीखनी चाहिए ठीक है किस जेंडर को अपना कंडक्ट सोसाइटी में कैसा रखना चाहिए उसको हम बोलते हैं जेंडर सोशलाइजेशन इट कैन बी अंडरस्टुंड शेप दॉट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड मेक दम लर्न डिफरेंट जेंडर रोल्स जैसे लड़कियों को अब घर यहाँ पे क्या बोला जाता है फैमिलीज में कि आपको कल को दूसरे घर जाना है वहां भी यही करोगे तो बेसिकली जेंडर की सोशलाइजेशन हो रही है उसके अंदर वैसी वैल्यूज पुट करी जा रही है जो सोसाइटी जिसके अकॉर्डिंग एक लड़की को देखना चाहती है सोसाइटी एक लड़की को सब में सिर्फ ठीक है बात मानने वाली अच्छी आगेकारी बहू है अच्छी आगेकारी बीवी है सोसाइटी में उस लड़की की वहवाई होती है तो आपकी फैमिली आपको वही सिखाने की कोशिश करती है सिंस द वेरी स्टार्ट लड़कियों को सुनना पड़ता है कल को आपको दूसरे घर जाना है आपको दूसरे घर जाना है ठीक है तो इसको हम जेंडर सोशलाइजेशन बोलते हैं लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता है लड़कों को ऐसी बातें यूजली कम सुनने को मिलती हैं अब एक तो आप आपकी फैमिली आपको जेंडर ये करती है जेंडर सोशलाइजेशन से होती है फ्रेंड्स से होती है सेकेंडली आपको काफ़ी क्लूज मिलते हैं जेंडर रोल्स के डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स से लड़कियों के लिए कैसे प्रोग्राम लड़कियों को क्या देखना चाहिए लड़कों को क्या देखना चाहिए टॉयज जो वो जिनके साथ वो खेलते हैं अगर हमें किसी की बर्थडे पार्टी में जाना होगा बर्थडे पार्टी में किसी फीमेल काजन की तो हम डॉल लेके जाएंगे अगर किसी लड़के की बर्थडे पार्टी में जाना होगा किसी मेल काजन की छोटे बच्चे की तो हम कार्स वगैरह लेके जाएंगे ठीक है तो ये क्या है बेसिकली जेंडर सोशलाइजेशन आपको कैसे पता है कि लड़की डॉल के साथ ही खेलेगी कोई नॉर्म थोड़ी है कोई रूल थोड़ी है लेकिन वी हैव बिन सोशलाइज इन सच अ वे कि हम इसी चीज़ को लड़की फीमेल जेंडर के साथ एसोसिएट करते हैं डॉल प्लेइंग को एंड कार्स वगैरह गन्स ये यूजुअली हम लड़के के लिए लेके जाते हैं तो इसको जेंडर सोशलाइजेशन बोला जाता है एंड लड़का ब्लू कलर लड़की पिंक कलर पिंक बलून्स होते हैं लड़की के ब्लू बलून्स होते हैं आपने अगर वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे जेंडर रिवील वीडियोस, जो उन कंट्रीज में होते हैं जहां पे बच्चे का जेंडर हम पहले ही पता कर सकते हैं तो वहां पे ब्लू का मतलब बॉय पिंक का मतलब गर्ल ये नॉर्म कहाँ से आया ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर जेंडर सोशलाइजेशन ये आपको सोसाइटी सिखाती है सारी चीजें लेकिन आज जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट भी है थर्ड जेंडर का जो मैंने इन डिटेल पुराने चैप्टर्स में कवर किया हुआ है जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं वहां पे थर्ड जेंडर को लेके काफी सारी बातें हमने ऑलरेडी की हुई हैं यहाँ पे मैं वो रिपीट नहीं करूंगी नेक्स्ट वन इजो एंटीसिपेट्री सोशलाइजेशन देखो जहां भी वर्ड एंटीसिपेटरी होगा ना इसका मतलब है आप पहले से किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को यूर प्रिपेयरिंग योर फॉर समथिंग बिफोर हैंड अभी वो चीज़ नहीं हुई है फॉर एग्जाम्पल कोई आई एस एस्पिरेंट है उसको आई एस का एग्जाम देना है तो वो कोशिश करता है जो आई एस के एस्पिरेंट्स होते हैं जो फिर बन गए हैं आई एस ऑफिसर्स उनको फॉलो करने की वो कितने बजे उठते थे वो उनका टाइम टेबल कैसा था इनफैक्ट वो खाते पीते क्या थे वो एक्सरसाइज करते थे कि नहीं ये सारी बातें आप खुद में लाना लाने की ये करते हो कोशिश क्योंकि आपको भी उसी ग्रुप में कल को शामिल होना है दैट इज नथिंग बट एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कि आप खुद को पहले से किसी ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है आप सोशलाइज कर रहे हो खुद को पहले से किसी ग्रुप के लिए अगर आपके एग्जाम्पल ले लें आप सोशल वेलफेयर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फाइन तभी आप ये वीडियो देख रहे हो एंड वीडियोस देखते रहोगे वो नोट्स बनाओगे आप वही सारे काम करोगे कि कल को आप उस ग्रुप में शामिल हो पाओ आपका दिन का स्ट्रक्चर ही आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो है वो ये होगा सेट होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक में ये सब्जेक्ट पढ़ना है फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप जो अभी सारी वैल्यूज आपके अंदर जा रही हैं वो सारी इसलिए जा रही हैं कि ये जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स अभी आप फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बनना है दैट मीन्स आप पहले से ही खुद को किसी ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दिस इज नथिंग बट योर एंटिसपेटरी सोशलाइजेशन इसको इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट के मर्टन ने इट इज अ प्रोसेस बाय विच समन इज कॉन्शियसली सोशलाइज फॉर फ्यूचर ऑक्यूपेश पोजिशन एंड सोशल रिलेशनशिप्स जैसे अभी uh, काफी एक ट्रेंड चला है कुकरी क्लासेस का शादी से पहले जहां लड़कियों को खाना बनाना वगैरह वो सारे सीखते हैं तो दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेट्री सोशलाइजेशन को पता है शादी के बाद भी खाना बनाना है तो खुद को पहले से उस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं थ्रू एंटीसिपेट्री सोशलाइजेशन पीपल आर सोशलाइज इन टू ग्रुप टू विच दे विश टू हैव हैव विश टू टू और सो दैट एंट्री द ग्रुप डज नॉट सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट ठीक है अब अगर आप किसी की शादी होती है और उसको बिल्कुल ही नहीं पता शादी के बाद मुझे सुबह कितने बजे उठना है एंड मुझे चाय बनानी है मुझे खाना बनाना है उसको कुछ भी नहीं आता है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हर तो वो क्या करती है खुद को वो पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देती है कि शादी के बाद उसकी लाइफ जो है वो ईजी हो जाए तो वो क्या कर रही है वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कर रही है अपनी सम पीपल सजेस्ट दैट पेरेंट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्योंकि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कुछ लोग ये भी कहते हैं कुछ थिंकर्स की आपकी बेसिक कहाँ से आता है एंटीसिपेट्री सोशलाइजेशन आपकी फैमिली से ही आता है क्योंकि फैमिली स्टार्टिंग में आपको ऐसे रोल्स के लिए प्रिपेयर कर देती है ठीक है जैसे पे एग्जाम्पल दी है एक बच्चे को भेज दिया जाता है बोर्डिंग स्कूल वो फैमिली से दूर रहे फॉर बेटर विद एंटीसिपेशन ऑफ बेटर सोशलाइजेशन ताकि वहाँ उसको अच्छी एजुकेशन किसी अच्छे स्कूल में भेजेंगे ऑफिसली ताकि अच्छी एजुकेशन मिले ठीक है कल को अच्छी जॉब वगैरह मिले अच्छी इनकम हो एंड उसकी लाइफ जो है वो काफी इजी हो जाए तो ये डिसीजन बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना कहाँ से आया फैमिली से क्योंकि फैमिली उसको किसी फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर कर रही है वो रोल जहाँ उसकी इनकम अच्छी हो एजुकेशन अच्छी हो हाई स्टेटस हो सोसाइटी का तो दैट इज ऑल्सो योर फैमिली प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ठीक है तो अगर कहीं एग्जाम में ये लिखा हो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन फैमिली कैन बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन तो वहां पे आपको ये मानना होगा कि हाँ दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट ठीक है रीसोशलाइजेशन हमें काफ़ी अच्छे से पता है रीसोशलाइजेशन आपको एक एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा आपने अपनी फैमिली में कुछ वैल्यूज सीखी होती हैं ठीक है थीके? फिर आपकी शादी होने वाली होती है मैरिज तो वहाँ पे आप कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस नए लॉज न्यू न्यू सारा देखते हो न्यू लॉज न्यू वैल्यूज़ आपकी फैमिली में ऐसा नहीं होता था लेकिन शादी के बाद ऐसा होता है पर आपको चाहे वो पसंद हो ना पसंद हो आपको वो चीजें सीखनी पड़ती हैं क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है तो आप क्या कर रहे हो खुद को रिसोशलाइज कर रहे हो आप एक नई फैमिली की वैल्यू सीखने की कोशिश कर रहे हो दैट इज नथिंग बट यूर रीसोशलाइजेशन ठीक है री मीन्स दोबारा सोशलाइज करना खुद को इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लिविंग सर्टन बिहेवियर पैटर्न एंड रोल्स इन ऑर्डर टू अडॉप्ट न्यू एज अ पार्ट ऑफ वन एवोल्यूशन इन लाइफ ठीक है आपकी एक एवोल्यूशन ही होती है लाइफ में न्यू एवोल्यूशन जब आपकी शादी हो रही होती है तो इससे क्या होता है इन सब चीजों से आप ख़ुद को दोबारा प्रिपेयर करते हो एक नए रोल के लिए एंड ये अच्छी बात भी है लाइफ इज ऑल अबाउट दिस ओनली आपको चीज़ें सीखनी होती हैं यू हैव टू लर्न थिंग्स एंड यू हैव टू अनलर्न फ्यू थिंग्स कुछ चीज़ें आपको भूलनी होती हैं एंड देन यू हैव टू री लर्न फ्यू थिंग्स फिर आपको नई चीज़ें सीखनी होती हैं और इसी चीज़ से आपकी ग्रोथ होती है आपको ऐसा ईगोइस्टिक नहीं होना होता है कि जो मैं सीखा है मैंने लाइफ में बस वही सही है नहीं लाइफ जो है ये आपको नए चैलेंजेस थ्रो आप पे करता रहेगा एंड आपने जो पुरानी चीजें सीखी हैं काफी बाद में आपको लाइफ के स्टेज पे पता चलेगा वो चीजें मुझे अब भूलनी है वो रेलिवेंट नहीं है एंड देन आपको नई चीजें सीखनी है एंड खुद में अडेप्ट करनी है वही आपकी ग्रोथ डिटर्मिन करेगा लाइफ में भी ये मैं आपको बस जनरल बात कह रही थी ये इसके पास इसका पार्ट नहीं है ठीक है रिसोशलाइजेशन अकर्स देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोशल रोल ऑफ ए पर्सन ये आप वही एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये वही बातें लिखी हैं उसके बाद एडल्ट सोशलाइजेशन सिंपली नाम से आपको पता चल रहा होगा ये वो सोशलाइजेशन जो अडल्टुड में इंसान की होगी जब आप नए रोल्स लेते हो असबेंड अर एन एम्प्लॉय अब आपकी जॉब लग गई है आप वहां ऑर्गेनाइजेशन के नए एंड रेगुलेशन सीख रहे हो यू आर वाइफ ना अब आपको अपने अंदर लानी है. लाने के ये नहीं चलेगी. मैंने कहा ना लर्न रीलर्न लर्न अनलर्न एंड रीलर्न वो आपको कंटिन्यू रखना होगा एक हस्बैंड को भी काफी चेंजेस लानी होंगी खुद में बैचलर हुड इज वेरी डिफरेंट फॉर बॉयज ऑल्सो उनकी लाइफ काफी अलग होती है शादी से पहले एंड शादी के बाद उनको अपने अंदर एडल्ट सोशलाइजेशन करनी पड़ेगी अगर नहीं करेंगे तो जो मैरिड मैरिड लाइफ लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी अपने अंदर चेंजेस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज रिलेटेड टू देर नीड्स एंड वांट्स ठीक क्योंकि ये एडल्ट सोशलाइजेशन अब वो किस में आ गए एक नए इसमें रोल में आ गए वाइफ के हस्बैंड के एम्प्लॉय के तो ये सारी जो रिलेशन्स ये सारे जो सोशलाइजेशन है इस पार्ट की ये रिलेटेड होते हैं आपकी ज़रूरतों से ये आपकी ज़रूरत भी है सोशलाइज करना खुद को एंड आपकी चाहत भी है क्योंकि नई लाइफ आपको अच्छे से स्पेंड करनी है अपने पार्टनर के साथ या अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉई पीपल कंटिन्यू टू लर्न वैल्यूज़ एंड बिहेवियर पैटर्न थ्रू आउट द लाइफ वो सीखते रहते हैं सोशलाइजेशन का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है इट बिगेन्स एट बर्थ एंड कंटिन्यू स्टिल ओल्ड एज एंड कई बुक्स में भी मैंशन होता है अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा ये बर्थ में स्टार्ट होता है एंड इट डाइज विद योर डेड ठीक है सोशलाइजेशन स्टॉप विद योर डेथ तो बर्थ टू डेथ आपकी सोशलाइजेशन जो है वो चलती रहती है अपार्ट फ्रॉम फैमिली जो एडल्ट सोशलाइजेशन है कंटिन्यूज टू टेक प्लेस थ्रू अदर एजेंट्स ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्क प्लेस में हो तो जो आपका ग्रुप होता है वहाँ वहाँ से आपको सोशलाइजेशन मिलती है आपके सोशल ग्रुप्स जो सोसाइटी में बने होते हैं वहाँ से सोशलाइज एडल्ट सोशलाइजेशन होती है ठीक है सीनियर सिटीज़न फोरम्स जो होते हैं जो सीनियर सिटीजन का क्लब होता है वहाँ से आप चीज़ें सीखते हो क्लब्स फॉर रिक्रीशनल मतलब ऐसे वो एक्टिविटीज़ वग़ैरह के लिए बनता है ना वो क्लब्स वग़ैरह यहाँ पर कम ही है बाहर ज़्यादा होते हैं ये रिक्रीशन क्लब्स वग़ैरह बनते हैं वहाँ पर आप नई चीज़ें सीखते हो एंड कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशनस ठीक है ये भी आपको क्या करते हैं कुछ चीजें आपके अंदर जो है न्यू वैल्यूज पुट करते हैं तो ये सारी किसके एजेंट्स हैं आपके एडल्ट सोशलाइजेशन के बेसिकली जब आप एडल्टुड में आ जाते हो तो जो एजेंट्स उस टाइम पे आपके इर्द गिर्द होंगे और आपको नई चीजें सिखाते रहेंगे दे आर योर एजेंट्स ऑफ एडल्ट सोशलाइजेशन ठीक है तो उसकी कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली ये क्लियर है पेयर ग्रुप आपके फ्रेंड्स वगैरह स्कूल स्कूल में आप न्यू वैल्यू सीखते हो आप स्कूल में एक डिसिप्लिन सीखते हो ठीक है स्कूल में आप सारे इकट्ठे बैठ के खाते पीते हो खेलते हो तो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आप स्कूल में सीखते हो फाइन एक पंक्चुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट आप स्कूल में सीखते हो बड़ों की रेस्पेक्ट करना टीचर्स को रेस्पेक्ट देना वो आप स्कूल में सीखते हो तो स्कूल भी इज अ वेरी गुड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन नेक्स्ट वन इज मास मीडिया तो जो टीवी में आप देखते हो या न्यूज पेपर में देखते हो सोशल मीडिया पे देखते हो उससे आप कुछ नई वैल्यूज सी हो ठीक है वो चीज़ आप पे इम्पैक्ट डालते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे तो वो भी आपको क्या कर रहे हैं सोशलाइज कर रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें आपके स्कूल्स वगैरह या रिलीजन फैमिली ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो सारे उन सोशल इंस्टीट्यूशन को डिटर्मिन करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपकी अपनी पर्सनैलिटी आपकी साइकी वो भी इस पे इम्पैक्ट डालती है आपकी सोशलाइजेशन पे आप जब बड़े हो जाते हो जब आप खुद सोचने समझने की ताकत तो आप सोशल नॉर्म्स सिर्फ वो सीखते हो जो आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है एंड लॉजिकल है कोई सोशल नॉर्म्स आपको इलॉजिकल लगेंगे तो यू विल नॉट मतलब टेक देम दम पर्सनालिटी यू विल नॉट इंक्लूड देम इनटू योर पर्सनालिटी ठीक है उस सोशल नॉर्म्स का पार्ट नहीं बनते जो आपको फालतू लगते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो प्ले अ पार्ट इन दिस नीड्स हर किसी की कुछ नीड्स होती हैं जैसे एक फैमिली बनाना नीड होती है मेल की भी एंड फीमेल की भी इस वजह से वो शादी करते हैं तो शादी में वो नई वैल्यूज उनको सीखनी पड़ती हैं तो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए चाहे वो साइकोलॉजिकल नीड्स हो इमोशनल नीड्स हो फिजिकल नीड्स हो वो कोई उनको कोई नई वैल्यूज अपने अंदर डालनी पड़ती है ठीक है तो वो नीड्स भी पार्ट प्ले करता है एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन नेबरहुड आस पड़ोस से भी आप चीजें सीखते हो अपनी लाइफ में ठीक है तो ये सारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है जो आपको सोशलाइज करते हैं एंड सोसाइटी के लिए कुछ सोसाइटी की कुछ वैल्यूज वगैरह कल्चर बिलीफ आपके अंदर पुट करते जाते हैं ठीक है तो ये इट्स एन लिस्ट इसमें काफी सारी चीजें आप और ऐड कर सकते हो लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि एजेंट्स क्या होता है मैंने ये सब इसमें इंक्लूड किया है नेक्स्ट इज अ थियोरीज ऑफ सोशलाइजेशन पहली थ्योरी हमें पढ़नी है मीड जी एच मीड जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड थियोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ जहाँ पे भी काफी सोशियोलॉजिस्ट का थिंकर्स थिंकर मानना है जहाँ पे भी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की बात होती है दैट इज रिलेटेड टू योर सोशलाइजेशन क्योंकि वो सोशलाइजेशन से ही आप सेल्फ डेवलप करते हो अभी सेल्फ क्या है वो आपको इन थियरीज में क्लियर हो जाएगा वो डिफरेंट है उसके बारे में डिफरेंट बात करिए तो पहली थियोरी जो हम पढ़ते हैं दैट इज जी एच मीड जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स थियोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ देखो आप बुक से पढ़ने जाओ ना आपको इसमें काफ़ी मिलेंगे की टर्म्स पढ़ने को नाम सुनने को प्ले स्टेज गेम स्टेज जनरलाइज अदर सिग्निफिकेंट अदर आपको इस चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उससे तो काफी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको मीड की सेल्फ थियोरी मैं आपके लिए ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन फॉर यू गाइज इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी देखो अ न्यू बॉर्न हैज नो सेल्फ जब बच्चा पैदा होता है तब उसका कोई सेल्फ नहीं होता है तो सेल्फ के बाद में आपको एक बात क्लियर हो गई होगी सेल्फ जब आप सोसाइटी का मेंबर बनना शुरू हो जाते हो जब आप चीजें सीखना शुरू हो जाते हो तब आपके अंदर एक सेल्फ डेवलप होता है सेल्फ जो खुद ही आप आप खुद डेवलप होना शुरू हो जाते हो उसको हम सेल्फ बोलते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है वो डिपेंडेंट होता है तब उसको कुछ नहीं पता होता सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उसको चीजें क्लियर विजिबली भी उसको ज्यादा कुछ नहीं दिखता है ठीक है सो सर मैं क्यों आया हूँ मैं कौन हूँ कुछ नहीं पता होता है तो यहाँ उसका सेल्फ डेवलप नहीं होता है तो ये बात याद रख लेना न्यू बॉर्न हैज नो सेल्फ फिर क्या होता है फिर अमीर ने क्या कहा था हम दो स्टेजेस को इन्हें डिस्कस करा था एक आपकी गेम स्टेज है एंड एक आपकी प्ले स्टेज है तो उन्होंने कहा था पहले जब पैदा हुआ कोई सेल्फ नहीं है ठीक है No self. उसके बाद क्या हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है और उनसे चीजें सीखना शुरू करता है ठीक है इसको हम प्ले स्टेज बोलते हैं प्ले स्टेज ठीक है बच्चा प्ले स्टेज में आ गया दैट मीन्स अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो सेल्फ है वो डेवलप होना शुरू हो गया लिमिटेड सेल्फ उसका डेवलप होता है अब वो क्या करता है वो माँ बाप को वो जो वो उसको माँ बाप एक्शन करते हैं सामने से वो वही रिपीट करता है जैसे हम छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं हम हंसते हैं वो भी आगे से हंसना शुरू हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो छोटा बच्चा जब गेम स्टेज में होता है तो वो एक उस जब सॉरी गेम नहीं प्ले स्टेज में होता है तो वो इमिटेट करता है या कॉपी करता है या चीजें सीखना शुरू हो जाता है अपने सिग्निफिकेंट अदर्स से सिग्निफिकेंट अदर्स हो जो आपके बिल्कुल क्लोज होते हैं जैसे आपका लाइफ पार्टनर आपका सिग्निफिकेंट अदर है आपके मॉम डैड आपके सिग्निफिकेंट अदर है ठीक है एंड इसका ऑपोजिट दूसरा है जनरलाइज अदर जनरलाइज अदर इज योर देन बाकी मेंबर्स ऑफ योर सोसाइटी आपकी सोसाइटी आपका फ्रेंड सर्कल आपका नेबरहुड ठीक है वो आपके जनरलाइज अदर में आ गए सिग्निफिकेंट अदर जो आपका बिल्कुल क्लोज है तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाए है हमें क्रॉल कर रहा है ये ये प्ले स्टेज में है तो इसका एक लिमिटेड सेल्फ डिवलप होगा आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ा सा सेंस आना शुरू हो जाएगा ये अपने पेरेंट्स को पहचानता है उनके बुलाने पर थोड़ा रिएक्ट करना शुरू करता है इसको हम प्ले स्टेज बोलते हैं यहाँ पे चाइल्ड लर्न डिस लर्न डिस्क्रीट अदर्स डिस्क्रीट अदर्स इज यर सिग्निफिकेंट अदर ठीक है सिग्निफिकेंट अदर्स का वो थोड़ा उनसे कुछ सीखना शुरू हो जाता है और उसका लिमिटेड सेल्फ डेवलप होता है फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो गेम स्टेज में आ जाता है गेम स्टेज में अब वो उसका एक फ्रेंड सर्कल भी बन गया ठीक है अब वो उसके उनके साथ खेलता भी है सोसाइटी का वो मेंबर भी बन रहा है उठता बैठता है अपने पेरेंट्स के साथ अभी भी कनेक्टेड है तो अब वो क्या करेगा अब वो कहाँ से एटीट्यूड्स और बिहेवियर वैल्यूज पिक करेगा जनरलाइज अदर्स से ठीक है जो सोसाइटी के बाकी मेम्बर्स है अपने पेयर ग्रुप से ठीक है अपने नेबरहुड से फाइन तो इसको हम बोलते हैं गेम स्टेज में आ गया अब उसका सेल्फ जो है वो फुली डेवलप हो गया है फुली डेवलप्ड सेल्फ तो आप सेल्फ क्या हुआ जो आप जो लेके आप पैदा नहीं होते वो आपकी सोशलाइजेशन से डेवलप हो जाता है आप कोई इंसान बन जाते हो ना अभी पैदा हुए आपको जिस सांचे में डालते हैं आप वैसे ही बन जाओगे ठीक है तो वो बोलते हैं एक सेल्फ डेवलप होना वो फुली कब डेवलप होता है जब आप गेम स्टेज में होते हो वहां पे आप किन लोगों से सीखते हो जिनको हम जनरलाइज अदर्स बोलते हैं जिसमें आपकी फैमिली आपकी इमीडिएट नहीं आपकी जो नेक्स्ट फैमिली है वो आती है आपकी दूर के रिश्तेदार वगैरह आपकी सोसाइटी के मेंबर्स आपका पेयर ग्रुप आपके कलीग्स वो सब चीजें उसमें आते हैं ठीक है अभी आपका सेल्फ डेवलप हो गया पूरा यहाँ पे अब ये जो सेल्फ है जीएच मीड ने कहा इसके अंदर दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक आपका आई होता है एंड एक आपका मी होता है ठीक है आई होता है बेसिकली जो आप हो अब वो भी मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ आप क्या हो? हो सकता है आप कुछ और लाइफ में करना चाहो आप पेंटर बनना चाहते हो ठीक है आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है लेकिन जिस सोसाइटी का आप पार्ट हो वो आपको क्या बोलता है वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब है तो ही सब कुछ है अदरवाइज लाइफ में कुछ नहीं है आप उस सोसाइटी का पार्ट हो तो आपको ना चाहते हुए भी लेक्चर सुनने पड़ रहे हैं और आपको सोशल वेलफेयर की जॉब करनी पड़ रही है ठीक है लेकिन आपका आय क्या है वो आपका वो क्रिएटिव पार्ट है आपके अंदर जो आप खुद हो आप करना चाहते हो लेकिन आप सोशल आप क्या कर रहे हैं आप फिर भी आप वे वीडियोस देख रहे हो क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब आप चाहिए दैट मीन्स आपका मी वो कंपोनेंट है जो आपको सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग का इंसान बनाती है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस ठीक है मी वो है जिसको सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए कि सोसाइटी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे आपके अंदर एक मी कॉम्पोनेंट भी होता है एक आई कॉम्पोनेंट भी होता है कुछ करने से पहले आपके अंदर एक फीलिंग होती है ना अगर मैंने ये किया अगर मैं व्लॉगर बन गया तो लोग मेरे बारे में बातें तो नहीं करेंगे ठीक है आई जो होता है आपका आई कॉम्पोनेंट वो रेबेलियस नेचर का होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है बाहर में जाए दुनिया जिसको जो बोलना है मुझे तो मैं यही करूंगा अब किसी का आई कॉम्पोनेंट हावी होता है मी कॉम्पोनेंट पे और किसी का मी हावी होता है किस पे आई कॉम्पोनेंट पे लेकिन एक सेल्फ में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी पता नहीं इसकी गर्दन टेढ़ी क्यों बनाई है आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी एक आ, सेल्फ में एक आई भी देखने को मिलेगा एंड मी देखने को मिलेगा ठीक है तो ये थी मीर की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इतने इजी तरीके से इससे इजी आई डोंट थिंक कि आपके लिए बनाना मेरे लिए पॉसिबल था एंड काफी आपको आप खुद चाहे तो किसी भी बुक से पढ़ो तो कन्फ्यूजिंग लगता है लेकिन एक बार ही आपने वीडियो देख लिया अब आप, आप किसी भी बुक से पढ़ो तो आप समझ जाओगे बेबी पैदा हुआ नो सेल्फ उसके बाद वो इंटरेक्ट करने लगा डिस्क्रीट अदर्स भी उसको बोला जाता है डिस्क्रीट अदर्स या आपके सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ वो इंटरेक्ट करना शुरू हो जाता है तो उसका थोड़ा लिमिटेड सेल्फ डेवलप होता है लिमिटेड सेल्फ क्योंकि अभी भी वो बच्चा ही है वो प्ले स्टेज में है फिर नेक्स्ट स्टेज में आता है जिसको उन्हें कहा गेम स्टेज तो वहाँ पे जनरलाइज अदर्स से वो बातचीत करता है उनसे वो चीज़ें सीखता है उनके वो उनसे वो एटीट्यूड सीखता है तो यहाँ पे किस कौन सी स्टेज है गेम स्टेज और कौन आगे जनरलाइज अदर्स तो यहाँ पे उसकी फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हो जाती है फुली डेवलपमेंट हो गया सेल्फ की दैट मीनस ये सेल्फ कहाँ से आ गया उसकी सोशलाइजेशन से आ गया क्योंकि पैदा होते वो सेल्फ के साथ पैदा नहीं हुआ था सेल्फ पैदा हुआ उसका सोशलाइजेशन के साथ और अब ये जो सेल्फ है उसके अंदर दो कॉम्पोनेट्स मिलेंगे आई एंड मी मी हो गया जो कन्फर्म करता है टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी जो सोसाइटी का अच्छा मेम्बर बन के रहना चाहता है आई हो गया जिसको अपनी क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस करने मतलब चाहता है कि अपना आप मैं हूँ जो थोड़ा रेविलियस होता है कि नहीं मुझे तो यही करना है और जब मी होता है वो थोड़ा मच्योर्ड थोड़ा कन्फर्मेटिव होता है कि हाँ ठीक है चलो सोसाइटी के हिसाब से यही ठीक है तो मैं ऐसे ही अपनी लाइफ जी जींगा तो ये है आपका मीर की थीरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आगे देखते हैं सी एच कोले एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ आई गेस हमने पुराने वीडियोस में भी कहीं ये डिस्कस किया है देखो ये क्या होता है लुकिंग ग्लास सेल्फ बेसिकली इसके अंदर आप को अपनी पर्सनालिटी उस पर डिपेंड होती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ ठीक है आप सेल्फ को देखते हो जो आपको आगे मिरर इमेज दिखती है वो मिरर इमेज सोसाइटी ने बनाई है है ना हो सकता है कि आपका नेचर हो आपको किसी तरीके के कपड़े पहनना पसंद हो लेकिन जस्ट बिकॉज आपने कई बार अभ्या पहना एंड आपको उसे रिस्पेक्ट मिली सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट किया वैसे और अब आपको पता है कि सोसाइटी के नजर में आप वैसे इंसान हो और वैसे आपको तारीफें भी मिलती हैं सोसाइटी में आपको एक्सेप्टेंस भी मिल रही है तो आप वैसे ही बनना पसंद करोगे हमेशा अब हमेशा अबया में ही रहना पसंद करोगे क्योंकि आपको लगता है कि अबया में रहती हूँ तो वहाँ से मुझे सोसाइटी से रेस्पेक्ट भी मिल रही है ठीक है मेरा अच्छा नाम भी हो रहा है मेरा स्टेटस बन रहा है सोसाइटी में एंड देन लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप खुद को सोसाइटी के नज़रिए से देख के जज करने की कोशिश करते हो तो ऑल दो आप नहीं पहनना चाहते अभैया लेकिन आप लाइफ लॉन्ग पहनोगे ये असर होता है सोसाइटी का एंड ये इन्हें जो थ्योरी दी थी ये आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो कोई इंसान है अगर उसके बारे में एक ये इमेज बन जाए कि ये बड़ा इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट है तो आप देखो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को वैसा बना लेगा कि वो इंटेलिजेंट ही हो जाएगा इसके ऑपोजिट आपको इंसान देखो जो अच्छा खासा पढ़ने में हो लेकिन सोसाइटी में ऐसी इमेज बनी हुई हो कि ये तो डफर है सो कुछ नहीं आता फिर सब कुछ आने के बावजूद भी वो इंसान एक न एक दिन वो डफर वाली कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है ये सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है यहाँ पे उसको सी एच कोले ने कहा था लुकिंग ग्लास सेल्फ ठीक है तो इससे भी आपके क्या हो रही है बेसिकली सोशलाइजेशन हो रही है आप खुद को वैसे देख रहे हो जैसे सोसाइटी आपको देखना चाहती है ठीक है तो नहीं दिया था अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे उन्हें सेल्फ का चिल्ड्रन डेवलप ए कॉन्सेप्ट ऑफ देयर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ अदर्स अराउंड देम ही शी फॉर्म्स एन आइडिया अबाउट वन सेल्फ बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट हिम और हर ठीक है दिस काइंड ऑफ सोशल सेल्फ दैट डेवलप्स आउट ऑफ एन इमेजिनेशन ऑफ हाउ वन अपेयर टू द अदर पर्सन

फिर जो वो सोच रहा है उस बेसिस पे हम सोचेंगे कि वो हमें जज करेगा वो कोई जजमेंट बनाएगा द सेकेंड फीचर कंसिस्ट ऑफ अवर इमेजिनेशन ऑफ द जजमेंट दैट अदर पर्सन मेक्स बाय बायर अपेयरेंसेज कि उसने मुझे देखा अब वो मेरे बारे में क्या जजमेंट कर रहा है थर्ड फीचर कंसिस्ट ऑफ सम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस शेम और सेल्फ डाउट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन ऑफ द अदर पर्सन जजमेंट अबाउट यर अपेयरेंसेज अब अगर आपको पता है वो आपको नेगेटिवली जज कर रहा है कि मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ मतलब सोसाइटी के मेंबर्स को या दूसरे मेंबर को पसंद नहीं आ रहा हूँ तो आपके अंदर डाउट क्रिएट हो जाएगा और अगर आपको लगे कि नहीं मैं उसको पसंद आ रहा हूँ तो आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग जो है वो आती है कि नहीं मैं अच्छा इंसान हूँ एंड वो मैं मतलब मैं कोई हूँ आपके अंदर वो फीलिंग आती है ना अच्छी फीलिंग जब आपको पता होता है कि कोई सामने वाला आपके बारे में अच्छा सोचता है तो ये वो थर्ड पॉइंट है तो याद रखने को रख सकते हो आई डोंट थिंक एग्जाम में इतना डीप आपको पूछेंगे पर जिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने ये तीन पॉइंट भी इसमें एड किए थे फ्रूड एंड साइको एनालिटिक थियरी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी अभी हमने कल के ही लेक्चर में फ्रूट की थियोरी डिस्कस की है जिसमें हमने आईडी ईगो एंड सुपर ईगो मैंने इन डिटेल आपको बताया था दिस इज दिस सोशलाइजेशन इज नथिंग बट नैट आईडी ईगो एंड सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो से जिसमें हमने डिस्कस की है थियरीज ऑफ सिगमेंट फ्रूड वहां पे आप वो वीडियो देख लेना अब और दो देखते हैं प्याजेज थियोरी जीन प्याजे जीन प्याजे इन्होंने कहा था कग्नेटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थी इनकी थियोरी दैट इज ए मेंटल डेवलपमेंट आपको इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें अगर आप बस स्टेजेस याद रखोगे कि इन्होंने क्या क्या कहा था तो पहली स्टेज जो है इनकी वो है फ्रॉम बर्थ टू टू दैट इज जीरो टू टू इसको इन्होंने कहा था सेंसरी मोटर स्टेज तो नाम याद रख लेना नोट्स आप ऐसे बना सकते हो सेंसरी मोटर वो कब से कब तक थी जीरो टू टू ठीक है ऐसे करके याद रख लेना ये वो स्टेज है बेसिकली जब ये स्टार्ट होती है जब आप जीरो इसके होते हो उसे आपके विजिबल नहीं है स्लाइड वीडियो पे मिनट बस तो सेंसरी मोटर स्टेज ठीक है ये वो स्टेज है जब आपके अः मतलब आपके दिमाग में इमेज परमानेंटली नहीं रहती है फॉर एग्जांपल जब बच्चा पैदा होता है दो तीन महीने का होता है अगर उसको अपनी मामा उसकी केयर गिवर है ठीक है मामा के बहुत क्लोज है तो अपनी मामा को नहीं देखे तो वो रोना शुरू हो जाता है Fine. वो मामा को नहीं देखेगा ही स्टार्ट क्योंकि वो इमेज जो है परमानेंटली होल्ड नहीं कर पाता उसको लगता है जो सामने है बस वही एग्जिस्ट करता है अगर मामा सामने नहीं है दैट मीन मामा नहीं है उसको ये नहीं फीलिंग uh, अभी डेवलप हुई है कि इंसान जाके फिर वापस आता है ठीक है वो इमेज जो है वो होल्ड नहीं कर पाते अपनी uh, दिमाग में अगर वो चीज़ को सामने नहीं देखे उनको लगता है कि चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर टुवर्ड्स द एंड जब हम पहुंचते हैं स्टेज में थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं फिर उसको पता है अगर मामा अभी नहीं है लेकिन मामा थोड़ी देर में आएगी तो वो इमेज जो है उनकी वो डेवलप होना शुरू हो जाती है फिर सेकेंड टू सेवन ईयर्स टू टू सेवन आपकी सेकेंड स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज ठीक है ये वो स्टेज है जब आप क्या करते हो इंसान सिंबल्स और देयर मीनिंग्स उनको डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाता है फॉर एग्जाम्पल दो से तीन ढाई तीन या चार साल तक भी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं पाँच साल तक भी इनफैक्ट आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है अगर आपको समझ में नहीं आई मैं आपको इजी एग्जाम्पल दूंगी हम टीचर टीचर खेलते थे बचपन में टीचर टीचर तो क्या करते थे जो पिलोज वगैरह सामने होते थे तो उनको स्टूडेंट्स बनाते थे फिर उनको मारते भी थे उनके साथ बातें भी करते थे क्योंकि हमें ये सिंबल्स और मीनिंग्स को डिफरेंशिएट करना उस एज में नहीं आता इंसान अज्यूम करता है स्टूडेंट है, है तो बोलते हैं हाँ ये तकिया मेरा स्टूडेंट है ये दीवार मेरी स्टूडेंट है फिर जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं सेवन इयर्स तक हम आना शुरू हो जाते हैं तो हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं फिर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि नहीं ये पिल्लो है ये क्वेश्चन है ये मेरा स्टूडेंट नहीं है तो वो स्टेज को बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज उसके बाद सेवन टू इलेवन आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये वो स्टेज है अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगी मैं दूसरी एग्जाम्पल आपको देती हूँ सेवन टू इलेवन में बेसिकली आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लॉजिक वो चीजें नहीं कर पाते हो अगर आप गेम भी खेलोगे आप रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे इसमें ठीक है आपको ये नहीं पता होता कि हमें कोई चीज जो है वो लॉजिक और रैशनल बेसिस पे होती है अगर जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल आपको क्रिकेट की दी थी हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसके कोई रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इस एज में आपको वो नहीं पता होता बेसिकली आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन काउंटिंग वगैरह लॉजिक ये सारी चीज़ें इस एज में नहीं आती हैं इसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ठीक है उसके बाद आपकी ट्वेल्व टू फिफ्टीन आती है फॉर्मल ऑपरेशंस ये वो एज है जहाँ पे आप लॉजिक रीजनिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम सारे आराम से सॉल्व कर पाते हो ठीक है और अपने फ्यूचर वगैरह के बारे में सोचना शुरू करते हो फ्यूचर की बातें लॉजिक के बेसिस पे वो सारा आप इस स्टेज में करते हो तो ये सारी स्टेजेस आप याद रख लेना एग्जाम्पल मैंने दी ताकि आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाए कि क्या होता है बाकी आप ऐसे करके नोट्स बना सकते हो अपनी जीरो टू टू आप लिखोगे कौन सी स्टेज है फिर वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज आ गई ठीक है फिर आपकी सेकेंड टू सेवन कौन सी आ गई प्री ऑपरेशनल फिर सेवन टू इलेवन कंक्रीट ऑपरेशनल एंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल एंड लास्ट में हम देखते हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ये भी यहाँ पे हमें इन डिटेल नहीं देखनी हम बस इनके स्टेजेस का नाम देखेंगे जो स्टेजेस इन्हें दी थी इन्होंने सिक्स स्टेजेस में कहा था डेवलपमेंट होती है ठीक है तो आ, पहले मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ तो सिक्स स्टेजेस में इन्होंने कहा था डेवलपमेंट होती है तो हम जल्दी से देखेंगे वो स्टेजेस कौन सी थी फर्स्ट टू स्टेजेस अप्लाई टू चिल्ड्रन हु हुवेंट येट फॉर्म अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग अभी आपको मॉरली क्या चीज सही है गलत है वो आपको नहीं पता होता आपकी फर्स्ट सेकेंड स्टेज में इस स्टेज में आप एक्ट करते हो सिंपली दो चीजों की वजह से पहली स्टेज में आपको पनिशमेंट अवॉइड करनी होती है सेकेंड स्टेज में आपको रिवॉर्ड आ जाते हैं रिवॉर्ड्स की वजह से आप काम करते हो पहली स्टेज आपका वो जैसे बच्चा अभी छोटा ही होता है ना कि उसको पता होता है मैं कुछ करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी उसको खुद ये नहीं पता होता वो खुद से नहीं डिसाइड कर पाएगा अपने दिमाग से ये चीज़ सही है गलत है उसके अंदर बस ये वाला अभी थॉट होता है कि नहीं अगर मैं ये करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी मुझे नहीं करना चाहिए सेकेंड स्टेज वो होती तो है इससे बच्चे को बोलते हैं ना मेरी बात मानोगे तो मैं चॉकलेट दूंगा अगर ये करोगे तो मैं चॉकलेट दूंगा तो वो रिवर्ड्स के लिए काम करता है तो वो आपकी सेकेंड स्टेज होती है ठीक है स्टेज थ्री में थोड़ा सा आइडिया आने लगता है आपको राइट एंड रॉन्ग का एक वेग आइडिया आ जाता है मतलब हल्का आइडिया राइट एंड रॉन्ग का मतलब आना शुरू हो जाता है और बेसिकली आपको दूसरों को खुश करना अच्छा लगता है टू प्लीज अदर्स आपको लगता है कि आप अच्छी चीजें करोगे तो लोग आपसे खुश हो जाएंगे ठीक है मॉरल कॉन्शियसनेस जो है इज अ हॉलमार्क ऑफ द स्टेज आपके अंदर वो मॉरल कॉन्शियसनेस आ जाती है आप कोई चीज करते हो क्योंकि आपको लगता है ये चीज करना सही है इसकी इन्होंने एग्जाम्पल दी अ पर्सन हु इज गिवन टू मच चेंज बाय कैश रिटर्न बिकॉज इट इज अ राइट थिंग टू डू जैसे आप छोटे बच्चे को शॉप पे भेजो टेन रुपीज आप दे दो उसको बोलो फाइव रुपीज की चॉकलेट लाना एंड आप फाइव रुपीज़ वापस लेके आना ठीक है अब अगर उसने फाइव की चॉकलेट लाई लेकिन जो शॉपकीपर है वो गलती से उसको एक्सचेंज में फाइव की जगह टेन रुपीज़ वापस कर दे तो उस स्टेज थ्री में उस बच्चे के अंदर ये थॉट प्रोसेस आ जाएगा कि नहीं ये चीज़ गलत है उसने मुझे टेन वापस किया उसको मुझे फाइव ही वापस करने है। तो उसको बोलते हैं अंकल नहीं मुझे फाइव रुपीज़ ही वापस दे दो तो दैट मीन्स वो बच्चा स्टेज थ्री में है उसमें मॉरल कॉन्शियसनेस आ गई है ठीक है स्टेज वन में क्या होता है सिर्फ पनिशमेंट अवॉइड करनी होती है स्टेज टू में वो किस लिए चलता है रिवॉर्ड्स के लिए स्टेज थ्री में उसको थोड़ा पता चल जाता है ये uh, right तो आपकी तीन स्टेजेस हो गए अब नेक्स्ट थ्री देखते हैं फाइनल टू uh, अच्छा इसकी फाइव स्टेजेस हैं कोलबर्ग की नहीं सिक्स स्टेजेस ही है अच्छा हमने थ्री देखी अब थ्री देखेंगे कोलबर्ग फाइनल टू स्टेजेस पीपल हैव द एबिलिटी टू डेवलप मॉरल प्रैक्टिसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द कन्वेंशनल वैल्यूज ठीक है लास्ट के दो स्टेजेस में फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में अब उसको मॉरल प्रैक्टिसेस का पता है इंडिपेंडेंट ऑफ द कन्वेंशनल वैल्यूज तो दैट मींस वो मॉरल प्रैक्टिस सिर्फ प्लीज करने के लिए नहीं करता अब उसको मॉरल प्रैक्टिस उसके अंदर पूरी इम्बाइब हो गई हैं ठीक है अब वो मॉरली जो है वो बिहेव करना खुद शुरू हो जाता है इन स्टेज फाइव पीपल रिकोग्नाइज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉरल बिलीफ एंड मॉरल मॉरलिटी में भी उसको पता है कि जो कन्वेंशनल मॉरल चीज है मतलब उसको हर कोई फॉर एग्जाम्पल लाइंग देखो झूठ बोलना ये एक कन्वेंशनल मतलब यूनिवर्सल चीज़ है कि लाइंग गलत है लेकिन हमें ये भी सिखाया जाता है अगर किसी की जान बचाने के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो आप वो बोलो तो उसके अंदर फिर वो ये सेंस डेवलप होता है ऑल दो लाइंग को गलत समझा जाता है लेकिन वो खुद ही एसेस कर पाता है कि किसी कंडीशन में अगर झूठ बोलने से मैं कोई लाइफ बचा रहा हूँ तो उस कंडीशन में झूठ बोलूंगा इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कन्वेंशनल वैल्यूज का भी आपके लिए झूठ बोलना नेसेसिटी बन जाती है क्योंकि उस टाइम पे अगर आप सच बोलोगे उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा किसी और का ठीक है तो वो किस में आता है आपकी इस स्टेज में आ जाता है फिफ्थ स्टेज में पीपल हु ऑपरेट एट स्टेज सिक्स हैव डेवलप देर ओन सेंस ऑफ सिक्स होगा पूरा डेवलप्ड जो होता है इंसान अपने इंटरेस्ट का नहीं सोचता है लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है ठीक है उन प्रिंसिपल पर जो यूनिवर्सल होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं जैसे आपके महात्मा गांधी जीजस क्राइस्ट मार्टिन लुथर किंग वगैरह इनको ये सारी वैल्यूज जो इनमें थी ये वैल्यूज पाई जाती है उन लोगों में जो आपके स्टेज सिक्स में होते हैं ठीक है ऑल्दो इसके काफ़ी क्रिटिसिजम भी हुआ है इनकी इसका थियोरी का क्योंकि इन्हें क्लियरली नहीं डिफाइन किया है जैसे बाकी थिंकर्स ने किया था इनने बस आपको ओवरव्यू दिया है डिफरेंट स्टेजेस का तो ये आप हल्का हल्का याद रख लेना कोअलबर्क थेरी वो भी आपकी सोशलाइजेशन तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका सोशलाइजेशन एंड इट्स थियरी नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर कंप्लीट करेंगे कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही आपका बस एक ही टॉपिक बचता है यूनिट टू का फिर हम यूनिट थ्री स्टार्ट करेंगे जिसके दो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन तो फिर यूनिट थ्री के भी दो तीन चैप्टर्स ही बचते हैं ठीक है वो भी हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे